नमस्ते दोस्तों, अगर आपका बजट अभी के टाइम पे 30,000 तक है और आपको समझ में नहीं आ रहा भाई कौन सा फोन ले ले, अगर आपको एक अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए या फिर आपको एक अच्छी गेमिंग वाला फोन चाहिए या फिर आपको एक बैलेंस सा फोन चाहिए जिसमें सब कुछ अच्छा हो, उसमें कैमरा भी अच्छा हो, उसमें आप एक अच्छी गेमिंग भी कर पाओ और आपका बजट बस 30,000 तक है, तो आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे फोन लाया हूं अलग अलग जो अपने अपने फील्ड के बेताज बादशाह है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो 30,000 के अंदर फोन लेने के लिए तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। आपके कुछ भी प्रायोरिटी हो, आपका भाई सब कुछ ध्यान में रखते हुए लिस्ट बनाया है 5 फोन का, तो आपको एक अच्छा फोन मिल जाएगा इस वीडियो को लास्ट होते होते। चलिए आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इतना ओवरव्यू काफी हो गया होगा इस वीडियो के लिए, स्टार्ट कर दे इस वीडियो। अब यार मेरे लिस्ट का जो पहला स्मार्टफोन है जो आप लोग अभी के टाइम पे ले सकते हो 30,000 के अंदर, अब ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जो बैलेंस है, इसमें कैमरा भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, डिस्प्ले भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, मतलब एक बैलेंस है इसको हम लोग कह सकते हैं। इसका नाम है मोटो H40। अब इस फोन में आपको बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई ब्लॉटवेयर कोई एड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, और यही नहीं आप इस फोन को पानी में भी ले जा सकते हो, इसमें IP68 की रेटिंग देखने को मिलती है और इस फोन में आपको एक POLED डिस्प्ले देखने को मिलती है 144Hz की, जो कि काफी सही है आज के टाइम पे आपको 144Hz मिल रहा है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग भी ज्यादा नहीं है, आपको 27,000-28,000 तक मिल जाएगा। अभी यार जब आया था तो ये 30,000 तक मिल रहा था, बट अभी ये सेल वगैरह चल रही है जैसा कि, तो ये आपको ये 27-28 तक मिल जाएगा और कार्ड वगैरह लगाने पे और भी सस्ता मिल सकता है। ये 30,000 के अंदर आता है और इसको मैं अभी एकदम बैलेंस ऑफ फोन कहना चाहूंगा। अब दूसरा फोन जो मेरे लिस्ट का है जो अभी के टाइम पे आप लोग ले सकते हो 30,000 तक, अब देखो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे प्राइस 1,000 बढ़ चुका है, बट अगर आप कार्ड वगैरह लगाते हैं ऑफर वगैरह आता है तो ये भी आपको 30,000 के अंदर मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे Samsung Galaxy S21 FE 2023 Snapdragon 888 वाला। अब इस बार सेल के दौरान ये फोन सबसे ज्यादा बेचा गया है क्योंकि ये जो स्पेक्स दे रहा था 30,000 के अंदर कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा था। तो अगर आपको एक अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए और स्पेशली Samsung की One UI चाहिए और कोई एड वगैरह नहीं रहता है और एकदम कैमरा भाई मस्त लेवल का चाहिए 30,000 के अंदर, तो आप एक बार इसको भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे लिस्ट के तीसरे नंबर फोन की। अब जो मैं अपने लिस्ट में तीसरे नंबर का फोन लाऊ ना, अब इस फोन में जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता ना, ये पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर था, Snapdragon 8 Gen 1 देखने को मिलता है और ये फोन आपको 30,000 के भी अंदर मिलता है 27-28,000 तक। बट अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये फोन थोड़ा महंगा हो चुका है, बट अगर आपको ये 30,000 के अंदर मिलता है तो आप इसको भी डेफिनेटली ले सकते हो। इस फोन का नाम है Realme GT 2 Pro और इस फोन में आपको अल्टीमेट लेवल की आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और इस फोन की ना मैं तारीफ बस इतना करना चाहूंगा कि अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो पिछले साल का फ्लैगशिप वाली फील दे आपको, तो आप इसको ले सकते हो। इसमें एक तगड़ी यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलती है, तगड़ा यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है और उसके साथ में यहाँ पे तगड़ी सी भी एक डिज़ाइन मिलती है और कैमरा भी इसका एकदम ठीक ठाक सा ही मिलता है, तो मैं इसको भी एकदम यहाँ पे फुल पैकेज वाला फ़ोन कहना चाहूँगा 30,000 के अंदर। तो अगर आपको ये भी मिलता है 30,000 के अंदर तो आप इसको भी एक बार देख सकते हो। अब मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल बातें इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये सब आप YouTube पे जाके देख सकते हो, बस आप लोग डिसाइड कर लेना आपको कौन सा फ़ोन लेना है। ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाते, नॉर्मल आपको समझा रहा हूँ। तो ये भी एक फुल पैकेज वाला फ़ोन है, अगर आपको 30,000 के अंदर मिलता है तो आप एक बार इसको भी देख सकते हो, अगर आप Realme के स्पेशली ना फोन चाहते हो वो भी फ्लैगशिप लेवल वाली फील दे। तो अब बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के चौथे नंबर फोन के बारे में जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। अब देखो अगर आपको एक ना ब्रांड से फर्क पड़ता है ना, आपको लगता है कि भाई ब्रांड ना सब कुछ होते हैं, मतलब जैसे आपको अगर OnePlus iPhone वगैरह ब्रांड लगते हैं कि भाई ब्रांड मतलब ब्रांड होता है, तो आपके लिए ये फोन काफी सही हो सकता है। इस फोन का नाम है OnePlus Nord 3। देखो स्पेशली मैं बताता हूँ, अगर आपको फर्क पड़ता है ना OnePlus का ही फोन चाहिए 30,000 के अंदर, तो आप एक बार इसको भी देख सकते हो, बट मैं उस लेवल पर रिकमेंड आपको नहीं करूँगा। अब देखो रिकमेंड करने का एक रीज़न है, इसमें आपको ना तो एक अच्छी गेमिंग आपको ला के देता है, ना एक अच्छा कैमरा ला के देता है, टू बी ऑनेस्ट, तो मैं इस वजह से आपको यहाँ पे ना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। बट इसमें आपको 6.74 इंच की एक यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, MediaTek Dimensity 9100 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, तो ये सब फीचर आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कभी कभी ना क्या होता है, बहुत सारे लोगों के लिए ब्रांड भी डिपेंड कर जाता है, तो अगर आपको स्पेशली OnePlus का फ़ोन चाहिए तो ये भी एक सही है, मैं इसको कहूँगा कि अगर आपको OnePlus से बहुत ज़्यादा लगाव है तो
तो आपके लिए अगर ये 30,000 के अंदर मिलता है तो आप इसको ले सकते हो। वैसे यार इसकी प्राइस 30,000 के ऊपर ही रहती है 1-2 हज़ार, तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। बाकी मैं कहूँगा अगर आपको वन प्लस का ही फ़ोन चाहिए तो इससे अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैसे लगाएंगे ना, कुछ ज़्यादा, तो आपको मिल सकता है वन प्लस 11R, जो कि भाई एकदम प्रीमियम, मतलब आपको सारे फीचर्स देगा। तो मैं उसको रिकमेंड करना चाहूँगा इसके जगह पे, अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैसे लगा सकते हैं तो, क्योंकि 40,000 के अंदर वो भी मिल जाता है 40,000 तक। तो ये एक मतलब आपके लिए डिसीजन है, आप लोग डिसाइड कर लेना। अगर आपको स्पेशली वन प्लस का ही फ़ोन चाहिए तो आप वन प्लस 11R देखना, इससे बहुत बेटर चॉइस रहेगी आप लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के लास्ट फ़ोन के बारे में, जो कि एक प्रॉपर गेमिंग फ़ोन है। तो अगर आपको स्पेशली एक प्रॉपर गेमिंग फ़ोन ही चाहिए ना, जिसमें अल्टीमेट लेवल की परफॉर्मेंस आपको ला के दे, एकदम भाई नेक्स्ट लेवल की आपको गेमिंग करा के दे, मज़ा आ जाए ऐसी गेमिंग, तो अभी के टाइम पे आप ले सकते हो आईकू नियो 7 प्रो। अब हालांकि ये थोड़ा 1-2 हज़ार ऊपर मिलता है, बट यहाँ पे अगर आप लोगों को भाई एक मस्त सा गेमिंग फ़ोन चाहिए ना, स्पेशली प्रॉपर गेमिंग वाला, तो ये फ़ोन आप डेफिनेटली देख सकते हो। आईकू स्पेशली गेमिंग फ़ोन बनाता ही है, तो अगर आपको एक 30-32 हज़ार तक अगर ये मिलता है आईकू नियो 7 प्रो, तो आप इसको आँख बंद करके ले सकते हो। अब मैं आपको इसलिए ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो की स्टार्टिंग बोला था कि मैं आपके लिए एक प्रॉपर फ़ोन बताऊँगा अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए ना जिसमें मस्त गेमिंग कर पाओ भाई आँख बंद करके और ठीक ठाक सब कुछ देखने को मिले, तो आप इसको भी एक बार देख सकते हो। बाकी देखो ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते यार, अगर ज़्यादा टेक्निकल जाएंगे तो वीडियो भी लंबी होगी और बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आता, लोग चाहते बस कट टू कट बता दे। तो ये कुछ है, बाकी जो भी फ़ोन आपको पसंद आया है आप उसकी डिटेल वीडियो यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, आपको सारा कुछ वहाँ पे पता लग ही जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो आप इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नया हो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और आपका कोई भी अगर आपका सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, कौन सा फ़ोन आप लेने वाले वो भी बताना, ताकि यार बहुत सारे लोग कमेंट वगैरह देखते हैं तो उनको भी एक हेल्प मिले, इनिशियल हेल्प। तो आप लोग वो चीज़ कमेंट में बताना, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलेगा हम फिर ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।